विश्व उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन हमीरपुर ने डिग्री कॉलेज हमीरपुर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कॉलेज छात्रों को उपभोक्ताओं से जुड़े मुद्दों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर कॉलेज प्रिंसिपल हरदेव सिंह जम्बाल, उपभोक्ता संरक्षण के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा के अलावा कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा। उपभोक्ता दिवस के इस अवसर पर छात्रों को उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया तो शिक्षा के क्षेत्र में उपभोक्ता कैसे सजग रहे, इस बारे में जानकारी दी गई। कॉलेज प्रिंसिपल हरदेव सिंह जम्बाल ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण संगठन के द्वारा छात्रों को जानकारी दिए जाने का काम बहुत ही बढ़िया पहल है, जिससे छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से छात्रों को काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकी है और इस तरह के कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। एक तो पहले तो मैं इस कार्यक्रम के जो प्रेसिडेंट एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के श्री सुशील कुमार जी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें मंच दिया कॉलेज में इस डे को सेलिब्रेट करने का। इसका मैं मानता हूँ कि बहुत अधिक महत्व है। जो अपना डिस्ट्रिक्ट फोरम है और जो नेहरू युवा केंद्र ने जो सामूहिक तौर पर जो पहल की कॉलेज में, मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका अभिनंदन करता हूं। मेरा ये मानना है कि इस तरह के प्रोग्राम अगर हों तो बहुत अवेयरनेस होती है हमारे बच्चों को। ये जो हमारे बच्चे हैं यही एम्बेसडर हैं, कल के हमारे भावी, हमारी संपत्ति हैं, निधि हैं। तो ऐसे प्रोग्राम बार बार होने चाहिए और मैं तहे दिल से डिस्ट्रिक्ट फोरम का धन्यवाद करता हूँ, कंज्यूमर फोरम का, कि ये मौका हमें इन्होंने दिया, अनुग्रहित किया है। ये जो भी यहाँ से मैसेज आएगा, जो भी ये अवेयरनेस होगी इसके राइट्स और डीड्स की, वो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे बच्चे इसको समाज में इसकी अच्छी बातें फैलाएंगे और जागरूक करेंगे। संरक्षण संगठन के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि कॉलेज के छात्रों को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जागरूक किया गया है और इस अवसर पर उपभोक्ताओं को आ रही परेशानियों के साथ साथ निदान के बारे में जानकारी दी गई। चंद्र बोस स्नातकोत्तर महाविद्यालय हमीरपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महाविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। हमारा उद्देश्य जो था इस महाविद्यालय में इस विश्व उपभोक्ता दिवस को मनाने का, वो ये था कि छात्रों को जागरूक किया जाए उनके अधिकारों के प्रति, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति। तो मैं समझता हूँ कि जितना छात्र जागरूक रहेंगे, ये हमारा भविष्य है ये, और जितना अवेयरनेस रहेगी इनको अपने अधिकारों के प्रति, उतना ही ये जीवन में सफल रहेंगे। कई प्रकार की खामियां देखने को मिलती हैं कंज्यूमर जो वस्तुएं होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं, तो उनमें अगर ये अवेयर रहेंगे तो ये अब ठगे जाने से बचेंगे। बहुत सी इनके ऊपर जिम्मेदारी है आगे, जैसे मान लीजिए किसी शिक्षण संस्थान में ये जाते हैं या कोई सामान खरीदते हैं किसी मॉल में जाके, तो कई बार इनको लगता है कि हम कहाँ पर जाएँ, तो उसके बारे में भी इनको जागरूक किया जा रहा है कि ये कहाँ पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं, किस प्रकार से ठगे जाने से बच सकते हैं। तो ये सब जो है, और मैं इस स्थानीय महाविद्यालय का जो प्रिंसिपल साहब हैं, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमें एक महत्वपूर्ण मंच जो है प्रदान किया है छात्रों को अवेयर करने का, और ये मुझे लगता है कि इसके बहुत ही सार्थक परिणाम सामने आएंगे।